एक शहर में रमेश और महेश नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रमेश और उसकी पत्नी राधा बड़े ही तेज थे और छोटा भाई महेश और उसकी पत्नी माला बहुत ही सीधे। रमेश और महेश दोनों की एक किराने की दुकान थी जिसे वो दोनों साथ में चलाते थे। एक दिन चालाकी से रमेश महेश और माला को घर से निकाल देता है और दुकान में भी काम करने से मना कर देता है। रमेश और राधा बड़े ही ठाट बाट से रहने लगते हैं और दूसरी तरफ महेश और माला के घर खाने को भी नहीं होता। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। दोनों बैठकर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ चिंटू कुछ रंग बिरंगे कागज लेकर आता है। माँ, मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है, कल मुझे स्कूल में पतंग बनाकर ले जानी है। जिसकी पतंग सबसे अच्छी हुई उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, मैं बना दूंगी। माला पतंग बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो बेहद खूबसूरत पतंग बना देती है। इतनी सुंदर पतंग देखकर चिंटू और महेश दोनों ही दंग रह जाते हैं। अगले दिन चिंटू स्कूल में अपनी पतंग लेकर जाता है। हर कोई चिंटू की पतंग को देखता ही रह जाता है। किसी के पास इतनी सुंदर पतंग नहीं होती। पतंग प्रतियोगिता में चिंटू ही जीतता है और उसे इनाम में पूरे 2,000 रुपए मिलते हैं। चिंटू बड़ा ही खुश होता है और घर जाकर वो पैसे अपने माँ बाबूजी को दे देता है। 2,000 रुपए, इतनी मुश्किल घड़ी में हमें इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है भगवान भी हमारे साथ हैं। इन पैसों से क्यों ना मैं कोई काम शुरू करूं? हाँ, पर 2,000 रुपए काम शुरू करने के लिए कम नहीं है। हाँ, पर क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं जिसमें पैसों की लागत कम हो। ऐसा क्या काम हो सकता है? दोनों काफी देर तक इसी बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर वो उन पैसों से क्या काम शुरू करें। फिर महेश अचानक बोलता है, क्यों ना हम पतंग की दुकान खोल लें? पतंग की दुकान? पर उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। अरे, अगर हम घर में ही पतंग बनाएं तो 2,000 रुपए काफी है। तुमने इतनी सुंदर पतंग बनाई कि ऐसी पतंग किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ कर सकते हैं। 15 अगस्त में अभी 1 महीना पड़ा है। बस फिर महेश बाजार जाकर रंग बिरंगे कागज लेकर आता है और माला उनसे पतंग बनाना शुरू कर देती है। रात भर बैठकर वो काफी पतंग बना लेती है जिसमें महेश भी उसकी पूरी मदद करता है। अगले दिन महेश बाजार में जाकर पतंग बेचना शुरू कर देता है। उसकी पतंग की दुकान उसके भाई रमेश की किराने की दुकान के बिल्कुल सामने ही होती है। देखो तो जरा, क्या पतंग बेचना शुरू कर दिया इसने। कोई नहीं खरीदने वाला इसकी पतंग। रमेश मन ही मन अपने भाई महेश का मजाक उड़ाता है, पर महेश पूरी मेहनत से अपनी दुकान में पतंगे लटका देता है और लोगों को आवाज देने लगता है। कुछ लोग आते जाते महेश की दुकान की पतंगे देखने लगते हैं। पतंगे सच में बड़ी ही सुंदर होती है। कुछ लोग वहां आकर रुक भी जाते हैं और महेश से पतंग खरीदने लगते हैं। अरे भाई, ये पतंग कितने की थी? भाई जी, ये छोटी पतंग कोई भी 20 रुपए और बड़ी कोई भी 50 रुपए। बड़ी सस्ती पतंग है। चलो, मुझे 2 पतंग 20 वाली और 2 पतंग 50 में से दे दो। महेश ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी पतंगे बेच देता है। उसके पास शाम तक 4,000 रुपए हो जाते हैं। जब वो अपनी कमाई के पैसे गिन रहा होता है तो रमेश उसे पैसे गिनते हुए देख लेता है। महेश सारे पैसे लेकर घर जाता है और माला को दिखाता है। दोनों ही बड़े खुश होते हैं। वो उन पैसों से पहले से भी ज्यादा सामान लेकर आते हैं और रात भर बैठकर ढेर सारी पतंग बना लेते हैं। अगले दिन भी महेश की सारी पतंग बिक जाती है और वो अच्छी कमाई कर लेता है। अब ऐसे ही महेश और माला रोज रात को पतंग बनाते और अगले दिन महेश उनको बेच देता। रमेश को ये देख बड़ी जलन होती है। उसके मन में भी लालच आ जाता है। मेरी दुकान में तो कोई कमाई नहीं हो रही। सारी कमाई तो ये मेरा छोटा भाई किए जा रहा है। क्यों ना मैं भी पतंग की दुकान खोल लूं? महेश की कमाई देखकर रमेश के मन में भी लालच आ जाता है। वो घर जाकर राधा को ये बात बताता है। रमेश की बात सुनकर राधा के मन में भी लालच आ जाता है। वो भी बड़ी खुशी से रमेश की हाँ में हाँ मिला देती है। दोनों अब बाजार जाकर दुनिया भर की पतंग ले आते हैं। अगले दिन महेश की दुकान के बगल में रमेश भी अपनी पतंग की दुकान लगा लेता है। महेश को ये देख बड़ी ही हैरानी होती है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब दोनों भाई पतंग बेचने लगते हैं। आओ आओ मेरे पास आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। आओ आओ, चले आओ चले आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। अरे भाई,
ये पतंग कितने की दी? हाय जी, कोई भी पतंग ले लो, सब 15 रुपए में है। हाँ। अरे वाह, तुम तो सस्ती पतंग दे रहे हो। हाँ भाई जी, मैंने कोई दूसरे लोगों की तरह लूट थोड़ी मचा रखी है। हाँ भाई, वरना तो लोग यही पतंग दुगने दाम में दे रहे हैं। रमेश अपनी पतंग सस्ते दाम में बेचने लगता है ताकि सब ग्राहक उसी के पास आएं, और सच में सभी लोग उसी के पास आकर पतंग खरीदने लगते हैं। पहले ही दिन रमेश की काफी अच्छी कमाई हो जाती है और महेश के पास 3-4 ग्राहक ही आते हैं। महेश बड़ा उदास होकर घर जाता है और माला को सारी बात बताता है। आज का तो दिन ही इतना बुरा है, मेरी पतंग की दुकान इतनी अच्छी चल रही थी, पर मेरे ही भाई ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। उनकी खुद की इतनी अच्छी दुकान चल रही थी, फिर भी क्या जरूरत थी पतंग की दुकान खोलने की। आप दुखी मत हो, भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, आप बस हिम्मत मत हारना। अगले दिन भी दोनों भाई अपनी अपनी पतंग की दुकान खोल लेते हैं। जब रमेश को ऐसा लगता है कि उसकी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है तो वो सारे पैसों की पतंगे खरीद लेता है। वो बिल्कुल घटिया कागज की पतंगे खरीद कर दुकान में बेचने लगता है। अब मैं 2 रुपए वाली पतंग 10 रुपए में बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। तभी एक आदमी महेश की दुकान पर जाता है। अरे भाई, पतंग तो बड़ी सुंदर है, कितने की थी? जी भाई जी, छोटी पतंग 20 रुपए और बड़ी 50 रुपए। अरे भाई जी, यहाँ आओ और कोई भी पतंग 10 रुपए में ले जाओ। अरे भाई, तुम तो इतनी महंगी पतंग दे रहे हो और तुम्हारे साथ वाला इतने कम दाम में पतंग बेच रहा है। भाई जी, मेरी पतंग बेशक ही थोड़ी महंगी है पर मजबूत भी है। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं, पतंग तो पतंग है, हैं? आप यहाँ आओ और मुझसे सस्ते दाम में पतंग ले जाओ। वो आदमी महेश से पतंग ना लेकर रमेश से पतंग लेने चला जाता है। इतने सस्ते दाम सुनकर वहाँ पतंग लेने वालों की भीड़ लग जाती है, पर अचानक मौसम बड़ा खराब हो जाता है और हवा चलने लगती है। रमेश की पतंग इतने घटिया कागज की होती है कि जरा सी हवा चलने पर ही फटने लगती है। रमेश अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, पर कभी कोई पतंग फट जाती है तो कभी कोई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। बूढ़ी बाबा, इसका दुकान का पतंग कितना बेकार है, देखो तो जरा, जरा सा हवा से फटने लगा, ये तो उड़ाते ही फट जाएगा। अरे दादा, ये पतंग लेंगे तो 10 रुपया भी बर्बाद चला जाएगा। अरे भाई, ये पतंग बहुत ही बेकार कागज की है, ये आदमी हमें पागल बना रहा है। ऐसी पतंग तो मैं 5 रुपए में भी ना खरीदूं, मैं तो साथ वाली दुकान पर पतंग लेने जा रहा हूँ। उसकी पतंग थोड़ी महंगी जरूर है, पर देखो इतनी हवा में भी फटी नहीं है। सब लोग रमेश की दुकान छोड़कर महेश की दुकान पर पहुँच जाते हैं और उससे पतंग खरीदने लगते हैं। महेश की सारी पतंग बिक जाती है और रमेश की पतंग कोई लेने नहीं आता। उसकी सारी कमाई जो वो घटिया और सस्ती पतंग खरीदने में लगा देता है, वो सब बर्बाद हो जाती है। रमेश की सारी पतंग फट जाती है और वो सर पकड़ कर रोने लगता है। हाय 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 हाय, मैं लुट गया, मैंने सारे पैसे इस दुकान में लगा दिए थे, अब मैं क्या करूँगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। रमेश बहुत टेंशन में आ जाता है, वो घर जाने लगता है पर उसका ध्यान ही नहीं होता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसके आसपास उसकी बीवी राधा, भाई महेश और माला खड़े होते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे भेजो यहाँ से। ऐसे मत बोलो जी, यही तो आपको यहाँ लाए हैं और इन्होंने ही सारा हॉस्पिटल का बिल भी भरा है। ये तो बेचारा कितना सीधा है, जो इतना होने पर भी मुझे बचा लिया और ऊपर से हॉस्पिटल तक का बिल भरा, मुझे माफ कर दे भाई। हाँ भैया, क्यों नहीं। रमेश को समझ आ जाता है कि उसकी खराब नीयत और लालच के कारण ही भगवान ने उसे सबक सिखाया है। वो सबको अपने साथ घर लेकर जाता है और फिर मिलजुल कर सभी पतंग बनाते हैं।
उसके बाद दोनों भाई मिलकर एक ही दुकान में उन्हें बेच